अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रिएक्शन होने वाला है दी बनिया की नॉक जॉक की वीडियोस पे। या आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी और कमेंट आया था कि इनकी नॉक जॉक। मैंने कहा यार क्या नॉक जॉक और ये वो, तो मैंने लिखा और आई जो ड्रामे में इनकी थोड़ी सी वो होती है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए, तो उस पर रिएक्शन देने लगूँ। लेकिन उससे पहले ये लास्ट, अब भी इसके अलावा मैं कहीं भी सेटअप चेंज नहीं करूँगा, ये लास्ट सेटअप होगा मेरा। इसके बाद बस ऊपर से अब नीचे आ गया मैं और ये लास्ट सेटअप है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, ये तो आपको पता है। चैनल पे हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आ चुकी है वीडियो। हेलो, तुम ऐसे ही यहाँ सोते रहोगे या चलोगे मेरे साथ मैनेजमेंट से बात करने? आई थिंक आई विल गो विद ऑप्शन ए, यहाँ पे सोता रहूंगा। इस जवाब को लॉक कर दिया जाए, चाबी विंडो से बाहर फेंक दीजिए। गुड नाइट। अब अरे दीदी ये क्या कर दिया? विवान हमेशा की तरह अनन्या फिर से रॉन्ग टाइप पर टपक गई। सारी मौलियां मिक्स हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारी जादुई मौली कौन सी है? वो सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आगे नई मौली बांधू। पंडित जी ने कहा है बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप तो पहले से ही शैतान। अब चलो विवान, चलो हटो हटो हटो। मेरा चेहरा ही ऐसा है, उसे देखकर बात करने की इच्छा सी हो जाती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि ओ हेलो हेलो। चेहरे के बारे में कुछ मत बोलना ओके? अब मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। अब धूप में निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करो। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बाहर निकलो तो अपने मुंह पे टेप लगा के निकला करो। गुड जॉब डब्बू। डब्बू अच्छा है, वो कोई रूप बदल के आया होगा अपना। थैंक यू। ये बालवीर है, आप सब पहचानते होंगे। बस इतनी तारीफ करनी थी। अरे बोलो ना, और बोलो। चेक काम करो, ये जो बोला भाई वापस बोल दो, मैं ध्यान से सुन लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको। ये सही है, मतलब अनन्या तुम मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही हो और रे तुम्हें कोल्ड हैंड दे रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं है ना डब्बू? अब एक्स फैक्टर नहीं है लेकिन मेरे पास वाई और जेड फैक्टर है। हेलो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता है तुम दोनों पक्का कोई सीरियस बात डिस्कस कर रहे हो, राइट? लेफ्ट, आगे से लेफ्ट जाओ, वहाँ पे बरसात बन रहा है, वहाँ तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाओ। बच्चों, स्लीप वॉकिंग कर रहे थे? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं तुम लोग स्लीप वॉकिंग करते करते बहुत दूर ना चले जाओ। इसीलिए आंटी शालवी देखे। हाँ तुम्हारे घर में मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो। Where you want me to go? To hell. अरे चले आ डब्बू, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा मजाक था, मजा आ गया। वैसे आप लोकल ट्रेन में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? क्या हुआ गाइस, थोड़ा हंस भी लो ना। दोस्त अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? ओ हेलो हेलो। अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो रे ने ही मुझे बचाया होता। अब वही जो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात होगी इसलिए आपको भी बोल दिया। ओ हेलो हेलो। तुम ना ज्यादा चांस पे डांस मारने की कोशिश मत करो। डांस? मैं तो किसी की शादी में भी डांस नहीं करता, तो यहाँ पे फोकट में डांस क्यों करूँगा? तुम किस दुनिया से आए हो मिस्टर, तुम्हें यही नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है? अब आपको मतलब बताना है तो बता दीजिए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ओ हेलो हेलो। ओह मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चल रही हो, तो तुम मेरा पीछा ही कर रही हो ना। तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? देखो वैसे हर बार प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि हर इंसान के अंदर बालवीर होता है। वो तो होता है। लगता है आपने नाश्ते में करेला खाया इसलिए आपका मुंह कड़वा है। और लगता है आपने नाश्ते में साबुन खाया था तभी जुबान फिसलती जा रही है। ओ ठीक है, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ टैक्सी का भाड़ा शेयर करना पड़ेगा। मैं पूरा भाड़ा दे दूंगी, बस आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए।
मेरा मुंह मेरी मर्जी, चालू रखूं या बंद रखूं? मेरा मुंह मेरी मर्जी। इस दिवाली मुझे समथिंग वेरी स्पेशल चाहिए। पटाके पटाके चाहिए व्हील लॉक से। अच्छा, मिल जाएंगे जी। नो, मुझे वो वापस चाहिए। कौन? तिम्नासा? नो, तिम्नासा नहीं, मैं तो टीम शैडो की बात कर रही थी। आप बंद कब करेंगे? क्या बोलना? और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या? मेरी तारीफ करना। ओ हेलो, मेरी बातों पे फोकस। विवान, एक बाल्टी लेकर आ। वो घर में जो टंकी के ऊपर पावर्स भरी पड़ी है ना, वो नल खोलेंगे तो पावर्स बहती हुई आ जाएंगी। इसको भर के दे देते। अरे ऐसे थोड़ी ना पावर्स मिलती है, पूरी प्रक्रिया होती है। हाँ तो करो वो प्रक्रिया। थैंक यू डब्बू, आई मीन देवू। वैसे लोग मुझे प्यार से बालवीर बुलाते हैं। गुड, मैं भी बोलूंगी, लेकिन परी बनने के बाद। इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम एक मिनट के लिए बिना आर्गुमेंट के मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो। मैं कोई भी परी बन सकती हूँ। अब पेड़ परी, घास परी, पत्थर परी, मैं कोई भी परी बन जाऊंगी। वैसे अगर अनन्या दीदी पेड़ परी बनेगी तो मैजिक से कोई भी फ्रूट ला पाएंगी। जिसका मतलब भैया दिवाली में भी हमें आम मिलेंगे। हाँ, लेकिन विवान एक प्रॉब्लम है ना, पेड़ परी बनेगी तो एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, तेरे से घूम नहीं पाएगी। ओ हेलो, से हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं। इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मारोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। हो हदम अपना। अच्छा, आपको वीडियो कैसे लगी दी बनिया की? नोक टोक तो यहाँ पर हुई नहीं यार, बात ही करते रहे। सो लेकिन फिर भी मज़ा आया इनकी ऐसे मोमेंट्स देखने में और एंजॉय करने में। आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कौन सी वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगला रिएक्शन किस पे करें वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इंशाल्लाह अगला रिएक्शन उस पे भी होगा। और इनके इस वीडियो के कमेंट्स कल आए थे और उस पे अभी अभी मैंने साथ ही रिएक्ट कर दिया। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।